हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके फरवरी माह के करंट अफेयर्स पर। आज का वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से एक चीज़ पूछना है, आप लोगों को वीडियो और वीडियो में बताए जा रहे कंटेंट पसंद आ रहे हैं या नहीं। देखिए, अभी जैसे मैंने आप लोगों को कुछ समय पहले बताया था कि YouTube में ग्लिच हो रहा है, जिसके कारण 2-3 घंटा होने के बावजूद भी मेरे YouTube में व्यूज़ जीरो दिखा रहे थे। कमेंट और लाइक्स आ रहे थे लेकिन जीरो दिखा रहे थे। मैंने YouTube से इसकी शिकायत की, जिसमें से उसने बहुत सारे कारण बताए। उसमें से एक कारण निकल के सामने आया कि जिस रेट में वीडियो के व्यूज़ हो रहे हैं उसके कंपैरिजन में लाइक्स नहीं आ रहे। देखिए, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि इस प्रकार के ग्लिच से हम बच सके। आप लोगों का लाइक करने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे को ये जो समस्या, जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इससे मैं थोड़ा बच सकूंगा। जिस तरीके से आपके फेसबुक में कंटेंट शेयर होते, लिंक शेयर होते हैं, तो उस लिंक को शेयर करने के बाद वहाँ पे आप लोगों के काफ़ी लाइक्स आते हैं, तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। लेकिन फेसबुक में यदि आप लाइक करते हो तो फेसबुक के साथ साथ यूट्यूब पे भी वीडियो को भी लाइक कर दिया कीजिए। देखिए, मैं किसी प्रकार का आप लोगों को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक कीजिए। लेकिन डिसलाइक करने से पहले नीचे एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपके वीडियो को मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, उसका ये रीज़न है। देखिए, तीन इशू को डिसलाइक के मुद्दे से हटा दीजिएगा। एक, साउंड क्वालिटी पहले ही बता चुका हूँ, रूम पूरा खाली है करके थोड़ा नॉइस, आपका आवाज़ थोड़ा गूंजता है। दूसरा, वीडियो क्वालिटी, आप अपने यूट्यूब वीडियो को 360 पिक्सल p पे सेट कर दीजिए, वीडियो क्वालिटी अच्छा मिलेगा। और एक है आपका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक और टेलीग्राम पर मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन तीन इशू को छोड़ करके यदि वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे कमेंट छोड़ दीजिए कि मैं डिसलाइक कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये है। लेकिन यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, ताकि इस प्रकार का जो यूट्यूब में जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जीरो व्यू दिखा रहा है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा हो गया लेकिन व्यू आपके जीरो दिखा रहे हैं, उसका कारण YouTube ने यही बताया कि व्यूज बहुत आ रहे हैं लेकिन लाइक्स नहीं पड़ रहा है, तो इसे YouTube इनवैलिड क्लिक मानकर चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। ऐसे में आप लोगों का वीडियो को लाइक करने से आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेरे को इस प्रकार के प्रॉब्लम फेस करने से मैं बच जाऊंगा। ठीक, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम फरवरी में आगे करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ चर्चित स्थानों को देखेंगे, कुछ पुरस्कारों को देखेंगे, धान खरीदी का क्या रिकॉर्ड रहा ये देखेंगे, और साथ ही साथ कुछ छत्तीसगढ़ की रैंकिंग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, चर्चित स्थान में पहले नंबर पर है दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव। दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन प्रदेश में पहली बार रायपुर में किया गया तथा इसकी मेजबानी करी है आपके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने। इसकी मेजबानी की है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने। प्रदेश में पहली बार रायपुर में इसका आयोजन हुआ, दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव। ये था आपके 12वें नंबर का, याद रखिएगा, ये नंबर याद रखिएगा, 12वें नंबर का था ये, 12वें नंबर का दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन प्रदेश में पहली बार रायपुर में हुआ तथा इसकी मेजबानी सौंपी गई है आपके पंडित, सौंपी गई थी ऑलरेडी, ये महोत्सव आपका कंप्लीट हो चुका है, इसकी मेजबानी सौंपी गई थी आपके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को। इसमें भारत के साथ साथ नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देशों के विभिन्न विश्वविद्यालय के लगभग 575 के आसपास छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया था। तो याद रखिएगा, 12वें नंबर का आपका दक्षिण एशियाई अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव, जिसका आयोजन रायपुर में किया गया तथा इसकी मेजबानी की थी आपके पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने, इसके मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए गए थे आपके, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। ठीक, नेक्स्ट है आपका फूड पार्क। अभी हाल ही में 2 फूड पार्क को मंजूरी दी गई है, यानी प्रस्तावित है। ये दोनों के दोनों फूड पार्क आपका डेवलप किए जा रहे हैं आपके बस्तर संभाग में। एक आपके बस्तर संभाग के बस्तर जिले के अंतर्गत धुर्रा गांव लोहांडीगुड़ा बस्तर जिला, यहाँ पर आपका एक फूड पार्क प्रस्तावित किया गया है। और दूसरा है आपका सुकमा ग्राम, सुकमा जिला। सुकमा एक जिले का भी नाम है और सुकमा जिले के अंतर्गत सुकमा एक ग्राम का भी नाम है, यानी गाँव का नाम है। तो याद रखिएगा, बस्तर संभाग के अंतर्गत 2 फूड पार्क प्रस्तावित किए गए हैं। एक है आपका लोहांडीगुड़ा बस्तर जिले के अंतर्गत धुर्रा गांव में और दूसरा है आपका सुकमा गांव, सुकमा जिला में। इसके अलावा हम पहले भी फूड पार्क पढ़ चुके हैं, एक आपका जो राजनांदगांव में है आपका टेडेसरा, दूसरा है बगौत जो कि मेगा फूड पार्क है। इसके अलावा राजनांदगांव में आपका विजयतला ग्राम में आपका जो पतंजलि मेसर्स है, जो बाबा रामदेव के पतंजलि है, उसके द्वारा भी आपका फूड प्रोसेसिंग पार्क आपका डेवलप किया जा रहा है। उसके अलावा अभी ये 2 नए फूड पार्क आ गए हैं, धुर्रा गांव लोहांडीगुड़ा बस्तर में और एक है आपका सुकमा ग्राम सुकमा में। तो ये 5 फूड पार्कों के नाम याद रखिएगा, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ये इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका नियुक्ति। नियुक्ति में है आपके पीसीसीएफ, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या प्रधान मुख्य वन संरक्षक। अभी हाल ही में आपके नए पीसीसीएफ प्रदेश के नियुक्त किए गए हैं आपके राकेश चतुर्वेदी जी को। राकेश चतुर्वेदी जी को प्रदेश के नया पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। इससे पहले आपके मुदित कुमार सिंह थे, मुदित कुमार सिंह के स्थान पर यह जगह लेंगे कौन, राकेश कुमार चतुर्वेदी जी। ठीक, इसके बाद है पुरस्कार, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार। यह इंपॉर्टेंट है, अभी आगे होने वाले जितने भी एग्जाम हैं इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। देखिए, संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार इस बार प्रदान किया गया है हमारे प्रदेश से दो कलाकारों को, एक है आपके दीपक तिवारी और दूसरे है राकेश तिवारी। दीपक तिवारी, राकेश तिवारी, देखिए दोनों का सरनेम सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। दीपक तिवारी, दीपक तिवारी जिन्हें शॉर्ट में इनका जो नाम है जाना जाता है इनको विराट के नाम से, दीपक तिवारी विराट, या कई जगह आपको दीपक विराट के नाम भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, ये जो दीपक विराट है, ये जो हबीब तनवीर जी का जो एक थिएटर था नया थिएटर के नाम से, इन्होंने जो हबीब तनवीर जी है उन्होंने इंडिया लेवल पर हिंदुस्तान थिएटर बनाया था, जबकि छत्तीसगढ़ पर उन्होंने नया थिएटर बनाया था छत्तीसगढ़ के रंग कर्मियों के लिए। तो नया थिएटर में, हबीब तनवीर जी की नया थिएटर में ये लीड एक्टर थे, लीड एक्टर थे, स्पेशली चरणदास चोर। जो आपके दीपक तिवारी है उन्हें स्पेशली जाना जाता है अपने चरणदास चोर किरदार के लिए। ठीक, तो याद रखिएगा, दीपक तिवारी चरणदास चोर, इन्होंने 1981 से लेकर के 2004 के मध्य चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार जैसे नाटकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन से, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार, ये जो तीनों की तीनों ये जो नाटक है, चरणदास चोर, माटी की गाड़ी, आगरा बाजार, ये तीनों के तीनों ये नया थिएटर में इसकी प्रस्तुति दी जाती थी, इसी में ये मुख्य भूमिका निभाते थे। लेकिन इन्हें जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई दीपक तिवारी जी को, या जो ख्याति प्राप्त हुई, वो उनको उनके किरदार चरणदास चोर के लिए इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, तो इसे याद रखिएगा। ठीक, इनको जो पुरस्कार प्रदान किया गया है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, एक लोक कलाकार के रूप में प्रदान किया गया है, याद रखिएगा, लोक कलाकार के रूप में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपके राकेश तिवारी। राकेश तिवारी जी को ये जो संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये लोक नाटक में योगदान के लिए, लोक नाटक में योगदान के लिए उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दीपक तिवारी को लोक कलाकार के रूप में, राकेश तिवारी को लोक नाट्य के योगदान के रूप में उन्हें यह संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। इनके नाटक राजा फोकलवा से इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। जैसे कि दीपक तिवारी जिन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी चरणदास चोर के किरदार से, वैसे ही आपके राकेश तिवारी जी का जो नाटक है उनके नाटक का नाम है राजा फोकलवा नाम के नाटक से इन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। अब तक इनके इस नाटक का लगभग पूरे देश भर में 1000 से ज्यादा बार इनका मंचन हो चुका है। तो याद रखिएगा, राजा फोकलवा किनके नाटक का नाम है, ये है आपके राकेश तिवारी जिन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है। इनके जो लोक मंच है, इनके लोक मंच का नाम है आपका सोन चिरैया, याद रखिएगा, सोन चिरैया किसके लोक मंच का नाम है, राकेश तिवारी जी के। इसके अलावा जो इनके अन्य नाटक है आपके ठनठन गोपाल और राजा के सपना, इन दोनों को भी याद रखिएगा। राकेश तिवारी जी की तीन रचनाएं हैं, एक आपका राजा फोकलवा जिनसे इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई पूरे देश भर में, इनके इन नाटक का लगभग 1000 से अधिक बार मंचन हो चुका है। दूसरा ठनठन गोपाल और राजा के सपना। ठीक, तो इस वर्ष प्रदेश में दो व्यक्तियों को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है, पहले है आपके दीपक तिवारी विराट चरणदास चोर और दूसरे है आपके राकेश तिवारी राजा फोकलवा, दोनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह के पुरस्कार से नवाजा गया है। आपका पावर प्रबंधक कंपनी यानी पावर मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह के पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें यह पुरस्कार आप सर्वोत्तम राजस्व प्रबंधन यानी रेवेन्यू मैनेजमेंट, सर्वोत्तम राजस्व प्रबंधन, न्यूनतम ट्रांसफार्मर फेलियर और न्यूनतम लाइन लॉस, इसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो सर्वश्रेष्ठ विद्युत गृह के पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र को। दूसरा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र किस जिले में मौजूद है, तो कोरबा जिले में, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक,
अब है अगला आपका धान खरीदी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, धान खरीदी, इस बार प्रदेश में जो धान की खरीदी की गई है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस बार धान की खरीदी किस न्यूनतम समर्थन मूल्य पे की गई, 2500 रुपए प्रति क्विंटल, 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से इस बार धान की खरीदी की गई। इस बार जो धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे पहले डिसाइड किया गया था आपके सामान्य धान के लिए 1750 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए के लिए 1770 रुपए प्रति क्विंटल। बाद में जो हमारी जो पुरानी सरकार थी उसने इसमें 300 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया था, लेकिन जब नई सरकार आई, नई सरकार ने घोषणा कर दिया था पहले से ही कि यदि उनकी सरकार आएगी तो वे 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करेंगे। तो हुआ भी यही, नई सरकार आई, नई सरकार ने अपने घोषणा के हिसाब से यह निर्णय ले लिया कि इस बार जो धान की खरीदी की जाएगी वो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। तो याद रखिएगा कि प्रदेश में इस वर्ष धान की खरीदी किस मूल्य पर की गई है, तो 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की गई है। नेक्स्ट, एक चीज और याद रखिएगा, कई लोगों को ये डाउट रहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार करती है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, तो केंद्र सरकार करती है। किसकी सिफारिश पर करती है पूछा जाए, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करती है। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी कौन करता है। छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी करता है आपका मार्कफेड, इसे भी याद रखिएगा, मार्कफेड छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी करता है। इस वर्ष प्रदेश में आपका जो धान की खरीदी आपका प्रारंभ हुआ 1 नवंबर 2018 से, 1 नवंबर 2018 से इस वर्ष प्रदेश में धान की खरीदी प्रारंभ हुई, जो कि चला आपका 31 जनवरी 2019 तक। 1 नवंबर 2018 से लेकर के 31 जनवरी 2019 तक मार्कफेड ने 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रदेश में धान की खरीदी की। इस बार प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP, सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। याद रखिएगा इसे भी, इस वर्ष प्रदेश में सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य, देखिए अब तक का सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य है यह धान के लिए। प्रदेश में इस वर्ष सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। ठीक, देखिए, धान खरीदी जो की किया गया इस बार, मैंने आपको पिछले बार बताया था 88 लाख मैट्रिक टन। एक्चुअली जब शुरू में जब धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था तो आपको 72 से 75 लाख मैट्रिक टन का धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था। उसके बाद धान खरीदी का अनुमान, जैसे आप सभी को मालूम है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई, तो धान की जो खरीदी है वो काफ़ी बढ़ गई। किसान ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आकर के अपने धान सरकार के पास बेचना प्रारंभ कर दिए, तो उस समय सरकार ने अनुमान लगाया कि जो धान खरीदी का लक्ष्य है ये बढ़कर आपका 88 लाख मैट्रिक टन हो सकता है। लेकिन अब चूंकि धान खरीदी खत्म हो चुका है 1 नवंबर 2018 से लेकर के 31 जनवरी 2019 तक, ठीक, तो उसमें जो मार्कफेड के जो अंतिम आंकड़े निकल कर सामने आए हैं, तो इस जो टाइम ड्यूरेशन है, ये वाला जो टाइम ड्यूरेशन है, इस टाइम ड्यूरेशन में यानी जो धान की खरीदी की गई है, ये की गई है आपका 80.39 लाख मैट्रिक टन, यानी 80,39,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है इस वर्ष। इसे याद रखिएगा, अब तक का सर्वाधिक धान खरीदी है सरकार के द्वारा, सर्वाधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक मात्रा में जो धान की खरीदी की गई है वो है आपका 80.39, यानी 80.39 लाख मैट्रिक टन की। ठीक, अब इसके अलावा हमको देखना है कि किस जिले से सर्वाधिक धान की खरीदी की गई और किस जिले से सबसे कम धान की खरीदी की गई। तो देखिए, सर्वाधिक धान की खरीदी की गई आपके जांजगीर चांपा जिले से। आप सभी को मालूम है कि जो छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिला ही ऐसा है जहाँ पर आपके धान की पैदावार सर्वाधिक होती है। तो मार्कफेड के द्वारा जो जांजगीर चांपा जिला है वहाँ से आपका 7.57 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। उसके बाद जांजगीर चांपा के बाद दूसरे नंबर पर है आपका महासमुंद। महासमुंद में आपका 7.11 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। पहले नंबर पर जांजगीर चांपा जिला, जहां से आपका 7.57 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो कि प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी की गई जिस जिले से, वो है आपका जांजगीर चांपा जिला। दूसरे नंबर पर है महासमुंद, जहां से आपका 7.11 लाख मैट्रिक टन, यानी 7.11 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई। न्यूनतम धान की खरीदी, सबसे कम धान की खरीदी की गई आपके दंतेवाड़ा जिले से। दंतेवाड़ा जिले से आपका 7,600
96 मेट्रिक टन। देखिए ये जहां पर लाख में है ये केवल हजार में सिमट रहा है। 7696 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई आपके दंतेवाड़ा से, और नारायणपुर से किया गया आपका 9490 मेट्रिक टन, यानी सबसे कम आपका दंतेवाड़ा है, दंतेवाड़ा से थोड़ा सा ज्यादा है आपका नारायणपुर। तो याद रखिएगा धान की खरीदी इस वर्ष कितने धान की खरीदी की गई, 80.39 लाख मेट्रिक टन, यानी 80,39,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जिसमें सर्वाधिक धान की खरीदी की गई आपके जांजगीर चांपा जिले से 7.57 लाख मेट्रिक टन। उसके बाद है महासमुंद जिला 7.11 लाख मेट्रिक टन। सबसे कम धान की खरीदी की गई दंतेवाड़ा जिला से 7696 मेट्रिक टन। उसके बाद है नारायणपुर 9490 मेट्रिक टन। इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े याद रखिएगा, मेंस के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना। प्रदेश में सौभाग्य योजना प्रारंभ हुआ आपका 11 अक्टूबर 2017 को। देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, प्रदेश में, ठीक, प्रदेश में जो आपका सौभाग्य योजना प्रारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2017 से, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, हर घर बिजली। मुख्य उद्देश्य हर घर बिजली, शत प्रतिशत विद्युतीकरण, हर घर बिजली इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। इसमें जो वर्तमान स्थिति है अभी एट प्रेजेंट, यानी फरवरी एंड तक की स्थिति में, इसमें प्रदेश के 23 जिलों को आपका शत प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है। इसे याद रखना है, अभी फरवरी 2019 तक की स्थिति में इसके 23 जिले, प्रदेश में कितने 27 जिले हैं, 27 में से 23 जिलों को शत प्रतिशत सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जा चुका है। अभी बचे हैं आपके 4 जिले, कौन कौन से, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे हैं जो अभी भी इस सौभाग्य योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। इसका भी एक कारण है, ये जिले जो है ये नक्सल प्रभावित जिले हैं, भौगोलिक और प्राकृतिक दृष्टि से ये दुर्गम जिले हैं, इस कारण यहाँ पर अभी भी आपका विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। तो याद रखिएगा अभी फरवरी तक की स्थिति में, फरवरी 2019 तक की स्थिति में सौभाग्य योजना के अंतर्गत हर घर बिजली जो उसका उद्देश्य है, उसके अंतर्गत प्रदेश में 27 में से 23 जिलों को शत प्रतिशत विद्युतीकृत किया जा चुका है। नेक्स्ट, देश का व्यस्ततम एयरपोर्ट, बिजनेस रैंकिंग। बिजनेस रैंकिंग में देश का व्यस्ततम एयरपोर्ट यानी सबसे बिजी एयरपोर्ट की सूची में हमारा जो प्रदेश का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट या माना एयरपोर्ट जो है वो 28वें स्थान पर रहा। रायपुर का माना एयरपोर्ट या स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपका देश की व्यस्ततम एयरपोर्ट बिजनेस रैंकिंग सूची में आपके 28वें स्थान पर रहा। ठीक, यहाँ पर औसतन जो आंकड़े निकल कर सामने आए, यहाँ पर औसतन प्रतिदिन 5,500 यात्री सफर करते हैं। देखिए ये प्रतिदिन का नहीं है, औसतन प्रतिदिन। कई बार क्या होता है फेस्टिवल में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, कभी कम रहती है, तो इसलिए यहां पे औसतन आंकड़े हैं। यहां पे औसतन प्रतिदिन 5,500 यात्री सफर करते हैं। इसके अलावा देखिए या इसमें एक आंकड़ा आया था 2017 में, 2017 की स्थिति में यहाँ पे 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफ़र किया, यानी पूरे के पूरे वर्ष 2017 में यहाँ पर 15 लाख से अधिक यात्रियों ने सफ़र किया। 2018 की स्थिति में यहाँ पर 19 लाख से अधिक, मैंने प्लस लिखा है, यानी 19 लाख से अधिक यात्रियों ने, एग्जैक्ट आंकड़े की बात करूँ तो 19,99,000 यात्रियों ने सफ़र किया वर्ष 2018 में। ठीक, तो 2017 से 2018 की स्थिति देखें तो प्रदेश में 31.7% यात्रियों की वृद्धि हुई है। ठीक, 2018 में देखें पिछले वर्ष की तुलना में तो 31.7% यात्रियों की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कि जो देश के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट की सूची, बिजनेस रैंकिंग सूची में जो हमारा प्रदेश का स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट है रायपुर का, उसे आपका 28वां रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक, ये आपका छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स में आपका जो परिवहन वाला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस का, उसमें भी ये सारे आंकड़े लिखने में आपके लिए मदद कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका वन उपज खरीदी समर्थन मूल्य में। वन उपज खरीदी समर्थन मूल्य में जैसे कि हमने पिछले बार आपका आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ सरकार 6 लघु वन उपजों का आपका समर्थन मूल्य पर संग्रहण करेगी। ठीक, इस वर्ष जो छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है, जो नई सरकार बन करके आई है, और इस बार आपके बजट में भी इसकी घोषणा की गई है कि प्रदेश में अब 15 वन उपजों का आपका समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाएगा। देखिए 15 वन उपज कौन कौन से है, इसमें वन उपज बोल रहा है, लघु वन उपज नहीं बोल रहा है, वन उपज बोल रहा है। वन उपज में आपके राष्ट्रीय वन उपज, लघु वन उपज दोनों शामिल है। देखिए
6+1, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं आर्थिक सर्वेक्षण और पिछले बार के बजट में भी पढ़ चुके हैं कि 6 लघु अनुपज कौन कौन से थे। 6 लघु अनुपज थे आपके साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख। कौन कौन सा? साल बीज, महुआ बीज, चिरौंजी गुठली, हर्रा, इमली और लाख, ये 6 लघु अनुपज थे जिसकी खरीदी पिछले साल तक की जा रही थी। एक आपका राष्ट्रीय वनुपज था, कौन सा? तेंदुपत्ता। तो ये हो गया 6+1, 7। अब देखिए, अब जो और आपका इस बार जोड़े गए हैं, एक है आपका कुल्लू गोंद, नागर मोथा, शहद, बेहड़ा, बेल का गुदा, काल मेघ, फूल झाड़ू और पुआड़ बीज। कौन कौन सा? कुल्लू गोंद, नागर मोथा, शहद, बेहड़ा, बेल का गुदा, काल मेघ, फूल झाड़ू और पुआड़ बीज। तो इस प्रकार से हो गए आपके टोटल 15 राष्ट्रीय वनोपद प्लस लघु वन उत्पाद, ये दोनों है शामिल। यहाँ पे लघु वन उपज की बात नहीं हो रही है, राष्ट्रीय प्लस लघु दोनों मिलाकर के कुल 15 वन उपज ऐसे है जिसका इस बार इस वर्ष समर्थन मूल्य पर संग्रहण किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, रेत खदानों का संचालन। रेत खदानों का संचालन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सौंपी है CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मीन्स छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम को सौंप दी है। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो रेत खदानों का संचालन करती थी, ये अधिकार प्राप्त था आपके पंचायतों को, यानी वो जो नदी वाला क्षेत्र जिस भी पंचायत में आता था, तो पंचायतों को उस रेत के खदानों के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। लेकिन प्रदेश में रेत में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब रेत खदानों के जो खनन है, जो उसमें उत्खनन किए जा रहे हैं, उसका संचालन करेगी CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन या छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के द्वारा। ठीक, इससे पहले कौन करते थे? पंचायत करते थे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन। अभी बैंकॉक में आपका इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन, इसका आयोजन अभी हो रहा है, 8 मार्च को इसका अभी रिजल्ट आएगा। तो इस इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन में पूरे के पूरे देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी छत्तीसगढ़ की वीना शेंद्रे। ये PSC में भी एक प्रश्न आया था, तो इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन जिसका आयोजन कहाँ हो रहा है? बैंकॉक में, जिसमें पूरे के पूरे देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है हमारी छत्तीसगढ़ की वीणा शिंद्रे। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो वीणा शिंद्रे है, ये वर्ष 2018 में मिस ट्रांस क्वीन 2018 का खिताब जीत चुकी है। छत्तीसगढ़ की वीणा शिंद्रे देश की पहली ट्रांसजेंडर है जिन्हें मिस ट्रांस क्वीन 2018 का खिताब मिला है। अब ये इंटरनेशनल ट्रांस क्वीन कॉम्पिटिशन बैंकॉक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जहां पे वो पूरे के पूरे आपके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो ये सारे के सारे आंकड़ों को याद रखिएगा, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट है। स्पेशली आपको याद रखना है संगीत नाटक एकेडमी को और दूसरा धान खरीदी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आगामी होने वाले एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फूड पार्क इंपॉर्टेंट है और धान खरीदी, तो इतना सबको याद रखिएगा। वीडियो में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।